गड्डी जावे पूंछ रजोरी तो रविंदर राणा जी देखे चोरी चोरी बिच्चू ले गया वांगत लेके काट के उसे गड्डी। तो ये मैं समझता हूँ ये गाड़ी जो है ये गाड़ी अब वहाँ पहुँच गई है जहाँ उसको पहुँचना, गड्डी जाए पूंछ रजोरी लेकिन गड्डी अब चली गई है ये वांगत वाया उमर अब्दुल्ला साहब के घर से बाहर से गुपकार से निकलती हुई ये वांगत पहुँच गई है। और इंशाल्लाह ये गड्डी फिर रजौरी पुंछ में ही चलेगी लेकिन बीजेपी के दफ्तर और उनके उन साथियों के उनके वहाँ नहीं जाएगी। मैं फिर से ये कहूँगा कि गड्डी जावे पुंछ रजौरी तो रविंदर राणा जी देखें चोरी चोरी बिच्चू ले गया वांगत लेके काट के उसे गड्डी। तो ये मैं समझता हूँ ये गाड़ी जो है ये गाड़ी अब वहाँ पहुँच गई है जहाँ उसको पहुँचना, ये उस जगह गई है, ये गाड़ी उस जगह गई है वांगत में जिस दरबार पे हिंदू मुस्लिम सिख पहाड़ी मैं कहूँगा पहाड़ी लोग ज़्यादा जाते हैं, गुजर बरादरी के लोग वहाँ कम जाते होंगे, पहाड़ी लोग ज़्यादा जाते हैं। तो ये गाड़ी खाली अकेली नहीं गई है, जो गाड़ी चोरी चोरी वो देखते थे वो खाली गाड़ी नहीं है, गाड़ी के अंदर पुंछ रजौरी के सारे लोग बैठ के चले गए हैं, सारे बैठ के वहाँ चले गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये गाड़ी अब आने वाले 50 साल जो है रुकने वाली नहीं है। ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के जो आने वाले इलेक्शन में है ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे पे घूमेगी और वापस इंशाल्लाह ये गाड़ी जो है गड्डी ये बीजेपी वाले और तमाम वो पार्टियां जो बीजेपी की ABC टीम है ये सारे देखेंगे ये गाड़ी दोबारा सबको लेके जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो है ये गाड़ी अपनी ब्रेक मारेगी और जिस गाड़ी के ऊपर हल्का जो है झंडा वो लगा होगा। बीजेपी ने हमारे पे ज्यादतियाँ की 5 अगस्त 2005 के बाद, उसके बाद जो लैंडस्लाइड ये जो विक्ट्री हमारी हुई है अपोजिशन कैंडिडेट के इतने वोट भी नहीं है जितने हमारी लीड है। मैं ये समझता हूँ कि ये वोट खाली एक बरादरी का वोट नहीं है, ये पहाड़ी गुजर हिंदू सिख और ईसाई ये सारी बरादरियों का वोट मिलके जो ये गुलदस्ता बना है इस गुलदस्ते की खुशबू उनको नहीं आ रही होगी जो जगह जगह अपने राग आपते थे। मियां अल्ताफ साहब ने जो लीड ली है पीर पंजाल के अंदर यानी कि रजौरी अनंतनाग सीट पर पूरा हिंदुस्तान हैरान है, जितनी मियां साहब की लीड थी इतनी अपोजिशन यानी कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने टोटल वोट नहीं लिए, 2,80,000 से ज़्यादा मियां साहब की जो लीड है। और वहीं उसके बाद जब मियां साहब जीत चुके हैं और पुंछ ज़िला के अंदर आप देख सकते हैं लोग किस तरह से खुशियां मना रहे हैं, चाहे गुज्जर पहाड़ी या बकरवाल कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग यहां पे हैं और हमारे साथ देख रहे हैं इस समय। जाज अहमद जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जान साहब बहुत बहुत मुबारक है आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से जीत को देख रहे हैं आप? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस जीत को जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के खास करके अनंतनाग पुंछ रजौरी के वर्कर को मुबारकबाद देता हूं जिनकी वजह से जीत आई और साथ साथ तमाम उन साथियों को जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट दिया, मियां अल्ताफ साहब को वोट दिया, आज वो मेरी आवाज़ मीडिया के थ्रू सुन रहे होंगे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये उनकी जीत है, असली जीत अगर देखी जाए। और मैं खासकर पुंछ रजौरी के और हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी के खासकर उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने नफ़रत की पॉलिटिक्स को बाय बाय कर दिया और उन लोगों को जो जगह जगह बातें बड़ी बड़ी बातें करते थे मीडिया में अलग अलग जो बात करते थे, मैं यहाँ पर नहीं किसी का नाम लूँगा, हमने कभी उनको जवाब नहीं दिया, हमने यही कहा कि आने वाला वक्त इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आएगा तो उनको उनका जवाब मिल गया है। आज वो मुझे लगता है घर में बैठ के सो रहे होंगे, नींद अकेले बैठ के नींद ले रहे होंगे, तो उनको ये जवाब मिल गया है। हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो मेरी अभी तक क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है लेकिन जो मेरी बात हुई है लगभग 48,000 से 51,000 के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने वोट लिया है, जो मैं समझता हूँ लगभग 70 से 80% वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गया है विनिंग के हिसाब से। और जो दूसरा हमारा कैंडिडेट है वो हमारे आधे के बराबर भी नहीं पहुँच सका है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिया है। और ये उन ताकतों को भी जवाब मिला जो जगह जगह बातें अलग अलग बातें करते थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं तमाम अपने वर्करों को मुबारकबाद देता हूँ और हिंदुस्तान की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। एक सवाल समझने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे गुज्जर और पहाड़ी वोट को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन जो अब रिजल्ट सामने आया क्या लग रहा है, वोटर डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? देखिए जो लोग ये बातें करते थे कि ये होगा उसका वोट आया इसका वोट आया, मैं आपको यहाँ यकीन से कहूँ कि मियां अल्ताफ साहब जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे और जो बीजेपी ने हमारे पे ज्यादतियाँ की 5 अगस्त 2005 के बाद, उसके बाद जो लैंडस्लाइड ये जो विक्ट्री हमारी हुई है अपोजिशन कैंडिडेट के इतने वोट भी नहीं है जितनी हमारी लीड है, मैं ये समझता हूँ कि ये वोट खाली एक बरादरी का वोट नहीं है, ये पहाड़ी गुजर हिंदू सिख और ईसाई ये सारी बरादरियों का वोट मिलके जो ये गुलदस्ता बना है इस गुलदस्ते की खुशबू उनको नहीं आ रही होगी जो जगह जगह अपने राग आपते थे। तो मैं ये समझता हूँ ये जीत तमाम बरादरियों का, आप देखिए अगर हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आप देखें
तो यहाँ पे जो रेशो है वो क्या है और जो रिज़ल्ट है वो क्या है। यहाँ का रिज़ल्ट ये साबित करता है कि तमाम जो बातें नफरत के लोग फैलाते थे उनकी जो है बात टोटली लोगों ने रिजेक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस या मियाँ साहब की जीत किस पार्टी पर करारा तमाचा है? यह सबसे पहले तो बीजेपी पे करारा तमाचा है और दूसरा तमाम वो साथी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ चलाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर अनंतनाग रजौरी, ये उनके मुंह पर भी एक तमाचा है कि जब हम कंपेन करते थे वो अलग अलग बातें कहते थे दूर दराज, कभी कहीं से बात कहते थे, आज उनकी तमाम बातों का जवाब उनको मिल गया है। और मैं आपको ये भी कहूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एक वर्कर, एक एक साथी अपनी जगह मजबूत खड़ा है और इंशाल्लाह आगे भी जो भी कोई इम्तिहान आएगा उसमें जो है हम उन ताकतों का जो हिंदुस्तान को जो है ख़राब, आप पुंछ में बात देख लीजिए, रजौरी पुंछ में आज कहाँ है हमारे लीडर, किस जगह खड़े हैं, आप ए बी माइनस सी करके ये सब बीजेपी की साइड है। एक आखिरी सवाल जान साहब रहेगा मेरा, बीजेपी की तरफ से गाना गाया जाता था, आपको पता है रविंद्र रैना साहब की तरफ से, कि गड्डी जाए पुंछ रजौरी, तो क्या लग रहा है लोगों ने, पीर पंजाल के अवाम ने लार शरीफ की गाड़ी पकड़ ली? देखिए वो गाना रविंद्र रैना जी ने गाया था, मैं समझता हूँ गड्डी जाए पुंछ रजौरी, लेकिन गड्डी अब चली गई है ये वांगत वाया उमर अब्दुल्ला साहब के घर से बाहर से गुपकार से निकलती हुई ये वांगत पहुँच गई है और इंशाल्लाह ये गड्डी फिर रजौरी पुंछ में ही चलेगी, लेकिन बीजेपी के दफ्तर और उनके उन साथियों के उनके वहाँ नहीं जाएगी। मैं फिर से ये कहूँगा कि गड्डी जावे पुंछ रजौरी, तो रविंद्र राणा जी देखें चोरी चोरी बिच्छू ले गया वांगत लेके काट के उसे गड्डी, तो ये मैं समझता हूँ ये गाड़ी अब वहाँ पहुँच गई है जहाँ उसको पहुँचना, और ये उस जगह गई है, ये गाड़ी उस जगह गई है वांगत में जिस दरबार पे हिंदू मुस्लिम सिख पहाड़ी, मैं कहूँगा पहाड़ी लोग ज़्यादा जाते हैं, गुजर बरादरी के लोग वहाँ कम जाते होंगे, पहाड़ी लोग ज़्यादा जाते हैं, तो ये गाड़ी खाली अकेली नहीं गई है, जो गाड़ी चोरी चोरी वो देखते थे वो खाली गाड़ी नहीं है, गाड़ी के अंदर पुंछ रजौरी के सारे लोग बैठ के चले गए हैं, सारे बैठ के वहाँ चले गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये गाड़ी अब आने वाले 50 साल जो है रुकने वाली नहीं है। ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के जो आने वाले इलेक्शन में है ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे पे घूमेगी और वापस इंशाल्लाह ये गाड़ी जो है गड्डी ये बीजेपी वाले और तमाम वो पार्टियां जो बीजेपी की ए बी सी टीम है ये सारे देखेंगे ये गाड़ी दोबारा सबको लेके जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो है ये गाड़ी अपनी ब्रेक मारेगी और जिस गाड़ी के ऊपर हल्का जो है झंडा वो लगा होगा। थैंक यू सो मच।